आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना हेलो गाइज तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू माइनस फोर कॉमा वन कॉमा थ्री एंड पैरेलल टू द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू थ्री वाइल द लाइन इंटरसेक्ट अनदर लाइन whose इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्व टू एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड प्लस फाइव इज ठीक है तो हमसे क्या कह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और वो पैरल है एक प्लेन जिसकी इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री और वाइल द लाइन इंटरसेक्ट जबकि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी लाइन की जिसकी इक्वेशन है दिस तो ये जो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन से तो इसका यूज करके हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं हमें पता है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन क्या होता है फैमिली ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा इस लाइन की इक्वेशन का यूज करके हम इसकी प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे राइट तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड प्लस फाइव राइट ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा राइट right? इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए लैम्डा की वैल्यू चाहिए अब देखो ये हमारा प्लेन है मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो इस पॉइंट से होके जाती है और वो पैरेलल है किस इस प्लेन के यानी ये एक प्लेन है इसके पैरेलल एक लाइन है और जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हमने क्या बना दिया एक प्लेन राइट right? तो ये हमारी अनादर प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमने ये बनाई इससे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इससे पास हो रही है और और लाइन क्या है इस पॉइंट से होके पास हो रही है मतलब ये पॉइंट जो होगा वो भी इस प्लेन में होगा कहीं प्लेन वन में इक्वेशन वन डाल देते हैं ठीक है प्लेन वन में लाया करेगा ये पॉइंट भी क्योंकि पॉइंट जो लाइन है वो इस पॉइंट से होके पास हो रही है ठीक है इस पॉइंट से होके पास हो रही है और इस प्लेन के पैरल है ठीक है इस प्लेन एक्स प्लस टू थ्री के पैरल है ये लाइन ठीक है चलो अब देखो इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करेंगे कि देखो ये प्लेन की इक्वेशन है लैमडा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है माइनस फोर वन थ्री ये प्लेन पे भी लाइ करेगा तो यहाँ से लिखेंगे पॉइंट माइनस फोर वन थ्री सेटिसफाइज द इक्वेशन वन इक्वेशन वन को सेटिसफाई करेगा क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पे लाए करेगा राइट right? तो यहाँ पे रखेंगे तो ये जाएगा माइनस फोर प्लस वन प्लस थ्री प्लस लैमडा इंटू माइनस फोर प्लस टू इंटू वन माइनस थ्री थ्री इज नाइन प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री प्लस वन माइनस जेड है दिस इज माइनस ठीक ये होगी वैल्यू अपनी माइनस तो फोर प्लस वन माइनस थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन माइनस सेवन प्लस वन माइनस सिक्स प्लस लेमडा इंटू ये क्या हो जाएगा फाइव सिक्स सेवन सेवन माइनस नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन इज इक्व टू ज़ीरो दैट मीन्स ये हो जाएगी अपनी माइनस सिक्स प्लस सेवन माइनस थर्टीन इज माइनस सिक्स लेमडा ठीक है तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी लैमडा इज इक्व टू माइनस वन

एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड प्लस फाइव इज टू जीरो ठीक है तो इसको सॉल्व करके हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी वो क्या होगी एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस फाइव इज ईक्व टू जीरो कैंसिल फाइव माइनस टू वाई माइनस वाई प्लस टू जेड माइनस फाइव इज इक्व टू जीरो माइनस कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा वाई माइनस टू जेड प्लस फाइव इज इक्वस टू जीरो तो हमारी प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई हमारा प्लेन आ गया ऐसा कुछ ठीक ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई अब हम क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है अब ये इस प्लेन की इक्वेशन आ गई ये ये प्लेन की इक्वेशन भी हमारे पास गिवन है तो ये जो लाइन है ये इस प्लेन से होके पास हो रहा है और पॉइंट है इसके माइनस वन फोर थ्री ठीक है तो अगर अब हम इसमें नॉर्मल वेक्टर निकालें ये अगर हम इसमें नॉर्मल वेक्टर निकालें ठीक है इस प्लेन और तो ये दोनों प्लेन आपस में क्या हो जाएंगे पैरल हो जाएंगे क्योंकि लाइन इस प्लेन के पैरल है और इस प्लेन से पास हो रही है तो ये दोनों प्लेन भी पैरल होंगे तो इनके नॉर्मल वैक्टर निकाल सकते हैं राइट ठीक है तो इनका नॉर्मल वैक्टर क्या हो जाएगा नॉर्मल वैक्टर नॉर्मल वैक्टर ठीक है तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू दोनों प्लेन के लिए आई कैप जे कैप के कैप ठीक है पहली प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ईक्व टू थ्री इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है वन कॉमा वन कॉमा वन राइट है ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ईक्व टू थ्री के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है वन वन और वन है और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है ज़ीरो एक्स का एक्स का कोफिशेंट जीरो वाई का वन और जेड का माइनस टू तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन 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 और ये हो जाएगा ज़ीरो वन माइनस टू तो नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा माइनस आई कैप के लिए माइनस टू इंटू वन माइनस टू माइनस वन इंटू वन माइनस जे कैप के लिए सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे तो माइनस टू इंटू वन माइनस वन वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो ठीक है प्लस के कैप के लिए थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो वन वन जन माइनस जीरो ठीक है तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा दोनों प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री आई कैप माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू जे कैप एंड प्लस के कैप तो नॉर्मल वेक्टर तो अपना क्या आ गया ये आ गया नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन दोनों प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन ये आ गई ठीक है और नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर तो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं अपने पास माइनस थ्री टू और वन ठीक है अब देखो हमारे पास ये लाइन है ठीक है ये दोनों ये लाइन जो है ये लाइन ये प्लेन पे लाए कर रही है और हमने दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर निकाल लिए ठीक है नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन निकाल लिया ठीक है तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये जो लाइन है ये पॉइंट हमें पता है माइनस फोर वन थ्री और इस इस लाइन का भी नॉर्मल होगा ये नॉर्मल तो इस लाइन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं ठीक है डायरेक्शन रेशियोज पता है हमें और पॉइंट है हमारे पास क्या माइनस फोर वन थ्री ठीक है तो यहाँ से हम प्लेन की इक्वेशन निकाल लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी पॉइंट है एक्स माइनस माइनस फोर इज इक्वल टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री होल अपॉन में डायरेक्शन रेशियोज माइनस थ्री टू और वन ठीक है तो ये क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी x माइनस माइनस एक्स प्लस फोर बाय माइनस थ्री एंड वाई माइनस वन बाई टू एंड दिस इज z z तो तो क्या आ आ गई गई अपने पास x y अपना करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो अपना ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना एक्स प्लस फोर बाय माइनस थ्री वाई माइनस वन बाय टू एंड जेड माइनस वन बाई थ्री तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा ठीक है थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आईआईटी आई टी और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या WhatsApp कीजिए अपने अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर